आज हम दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक उदयपुर और वहां की सबसे खूबसूरत जगह फतेह सागर लेक और सज्जनगढ़ पे है। और मैं आज आपको लेके चलता हूँ सर। इंसान इंसान से प्यार करता है, पर जब इंसान और वन्य जीवों का जो प्यार होता है ना सर, वो आज मैं आपको सच्ची कहानी लेकर आया हूँ गिर सौराष्ट्र से। कहानी ऐसी है सर कि वहाँ पे एक शेर और शेरनी दोनों इतना आपस में प्यार करते थे कि एक बार शेर और शेरनी पानी पीने जा रहे थे तो शेरनी नदी के अंदर चली गई और शेर बाहर खड़ा है तो इतने में एक मगरमच्छ आता है और वो शेरनी को दबोच लेता है और वो शेर कुछ समझे इसके पहले तो वो शेरनी को खत्म कर देता है। और इन दोनों के आपस में इतना प्यार कि वो शेर है ना भूखा प्यासा 72 घंटे तक वहां पे खड़ा रहता है कि कब ये मगरमच्छ। और उधर सामने अपने वहां के एक विषावदर और सत्ताधार करके गांव है और उसके बीच में एक मोनपुरा करके गांव है सौराष्ट्र में, वहां के मामा आपा दरबारी है, दरबार जो राजपूत बोलते हैं ना वो दरबार थे। तो वो आधे गांव के ऊपर शासन वो करते थे और आधे गांव के उनके उनके भाई शासन करते थे। पर उसके भाई के मन में शत्रुता थी कि कब मैं बड़े भाई को मारूं। बड़े भाई को सिर्फ एक लड़की थी होम भाई, हाँ उनके मन में एक ही था कि मैं बड़े भाई को मार दूं और पूरा। और उधर वो ये जैसे ये जितना भी कार्यक्रम हुआ ना 72 घंटे का, वो मामा आपा और गांव वाले देख रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है। तो जैसे ही उन्होंने देखा शेर ने जैसे ही मगरमच्छ लिया और उसने मगरमच्छ को जैसे ही मगरमच्छ बाहर आया ना तो अपना बदला ऐसा पूरा किया कि उसको चीर डाला। पर वो चीर डालने में क्या हुआ कि उसकी आंखें थोनी शेर की वो बाहर आ गई, खून खून हो गया। कहते हैं कि उसने जो गर्जना की ना वो लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया था, वो इतना आर्तनाद था। तब मामा आपा ने क्या किया कि उसको दूर से देख रहा कि इसकी आंखें तो गई है, तो जाने लगे तो गांव वालों ने रोका कि आप मत जाओ। इन्होंने बोला कि नहीं ये वन्य जीव है इसकी सेवा मुझे करनी है। वो आते हैं, उनको वहाँ पे मरम पट्टी लगाने का आइडिया था तो उन्होंने कुछ पत्ते लिए और उसका पेस्ट बनाया और अपने साफे से उसकी आंखें। अब वो समझ गया शेर के ये कोई मेरा भला करने वाला है। तो जैसे ही मामा आपा चलना चालू हुए वो शेर भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। तो जैसे ही वो गांव में तो गांव वाले देख रहे, इतने में वो जैसे खोला तो होम भाई ने जैसे ही दरवाजा खोला बोला पिताजी शेर है, बोले मेरा दोस्त है। अंदर लेके गए और वो जहां सोते थे मामा आपा पास में वो सोता था। थोड़े दिनों तक तो जब तक आंखें इसकी ठीक नहीं हुई ना इसके खाने की व्यवस्था इन्होंने मामा आपा ने पूरी। फिर मामा आपा को मालूम है कि भाई ये शेर तो जंगल का राजा है, इसको इशारा कर दिया कि भाई तू एक तरह से जा। अभी ये शेर कितना प्यारा दोस्त बन गया था, वो दिन को तो जाता वहां पे शिकार करने और रात को आके मामा आपा के पास आके सो जाता। ये कई दिनों से चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, जो छोटा भाई था ना उसने 5 आदमी को भेजा कि इनको खत्म किया जाए। उस दिन क्या हुआ कि वो आए, ये 5 आदमी जब तलवार लेके आए ना उस समय शेर जल्दी आ गया और शेर ने दूर से देखा कि ये मेरे मामा आपा को मारने आए, तो शेर ने उसके ऊपर हमला कर दिया और 2 आदमी को तो वहीं खत्म कर दिया और 3 जना जो पीछे थे ना वो इतने घायल हो गए कि वहां जब पड़े रहे ना तो उनकी लाशें हटाने के लिए मामा आपा को उनको दूर ले जाना पड़ा। और मामा आपा जब बूढ़े हो गए ना सर तो वो शेर को मालूम पड़ गया कि ये बूढ़े हो रहे हैं, वो उनके पास भी सोता था। कहते हैं कि पिछले 3 दिन तक जब वो बीमार रहे ना वो वहां से गया नहीं, भूखा प्यासा रहा उनके पास ही रहा। और जब मामा आपा की डेथ हो गई ना सर, मामा आपा की जब डेथ हुई तो कहते हैं कि उसकी शमशान यात्रा में जब वो गए तो पूरी पब्लिक जा रही है, शमशान यात्रा से खत्म हो गया आगे और शेर वहीं बैठा रहा। ओहो। और 3 दिन तक, कितना 3 दिन तक कहते हैं कि उसके बाद आता जाता रहा, उसके बाद वो तो सा हिंसक से हिंसक पशु भी है ना प्यार और करुणा से जीता सकता है। और आज हमारे साथ जो ये वन्य जीव के डिपार्टमेंट के लोग है ना सर, ये अपना सर्वस्व न्योछावर करके देश की सेवा कर रहे हैं, तो इन लोगों को हम सैल्यूट करते हैं सर कि ये लोग आज पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ये संभाल रहा है ना देश को। तो साहब जहाँ भी जाते हैं ना ये प्लेनेट खाली इंसान अकेले के लिए नहीं बना, ये सब के लिए बना है। थैंक यू सर। टाइगर्स प्रिजर्व द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रिजर्व द टाइगर।